दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक से एक बाजू को डिजाइन बनाना बताऊंगा। तो देखिए मैंने बाजू की कटिंग तो ऑलरेडी की हुई है और मैंने इसके अंदर कुछ निशान भी लगाए हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ये निशान मैंने किस तरीके से लगाए हैं। आपको बाजू की कटिंग करनी है, उसके बाद में आपको इस तरीके से 2 इंच नीचे बिल्कुल सीधा निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है, जो हम साइड में चला जाएगा एक्स्ट्रा मार्जिन, सेम आपको यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। ये देखें 2 इंच की दूरी पर ये लगा रखा है मैंने, 2 पे ये लगा रखा है और 2 इंच पर ये और 2 इंच पर ये। पूरी बाजू के अंदर आपको 2-2 इंच के इस तरीके से चौरस सांचे बनाने हैं। उसके बाद में क्या करना है, इनको यहाँ तक कट करना है इस तरीके से, देखें सिर्फ और सिर्फ निशान तक इनको कट करना है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। जब आप इसको इस तरीके से कट कर देंगे ना, उसके बाद क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करें, ठीक है, और यहाँ पर आप सिलाई लगाएं किनारे की हल्की सी। उसके बाद में एक बार इसको देखें ऐसे फोल्ड करें, ठीक है, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में इसे ऐसे फोल्ड करें और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। ये देखें यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा लें। अब वापस समझे मैंने कैसे बनाया ये, एक बार मैंने इसको इस तरीके से देखे पूरे को फोल्ड कर दिया, ठीक है, फिर वापस से मैंने एक बार इसको ऐसे फोल्ड किया और इसको इस तरीके से मैंने अंदर की ओर फोल्ड कर दिया, फिर वापस से देखें इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, फिर इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया और फिर इसको मैंने इस तरीके से अंदर की ओर वापस फोल्ड कर दिया। ये देखें यहाँ पर सिलाई लगा लें। इसी तरीके से जो मैंने चौरस सांचे बनाए ना, आपको सभी में इस तरीके से देखें एक ट्रायंगल बनाना है और इसे ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ से इसे आप इस तरीके से कट कर लें और सेम तरीके से इसको भी कट कर लें। उसके बाद क्या करना है, आपको इसके नीचे अस्तर लगाना है इस तरीके से, ऐसे रखा मैंने और ये जो बाजू इसको मैंने इस तरीके से रखा और हमने जो सिलाई लगाई है ना, इसके ऊपर आपको एक सिलाई और लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से करना है इसको और ये आ जाएगा इस तरीके से और यहाँ आपको किनारे की एक सिलाई लगानी है। और इस बाजू को अस्तर के साथ में इस तरीके से जोड़ के आप सिलाई लगा लें। इस तरीके से बाजू को कट करने के बाद में क्या करना है, आपको लेस लेनी गोटा पत्ती वाली, यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधी सिलाई में इस लेस को लगाना है। उसके बाद में वापस से आप इसके नीचे 1/2 इंच की दूरी पर या 1/4 इंच की दूरी पर वापस से इस लेस को लगा लें। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल बाजू थी और मैंने इसी बाजू को इसके अंदर डिजाइन बना दिया, बहुत सिंपल सा। इसको इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद में आप इसको बाजू में अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ बाजू के सिंपल सा डिजाइन आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि डिजाइन आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।